एक्सपीरियंस बंदे को ले रहा है। सबसे पहले इन्होंने प्रशांत कुमार जी को लिया तो उन्होंने कितना अच्छे संकेत सर बड़ा ही दिख रहा है। किसके लिए दिख रहा है सर? ये जियो के लिए दिख रहा है और ये दिख रहा है सर HFCL के साथ भी, क्योंकि इसने उतरेगी इसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाने का कि क्यों गिरी है कैसे गिरी है, बल्कि उस पर दिमाग लगाना है कि आपको इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे अडानी जी की और बात करेंगे सर क्वालकॉम एक कंपनी है चिप मेकर, उसके बारे में क्या उसकी नज़रें भारत पर टिक गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से आज मार्केट गिरी है ना, उस पे विजय केडिया साहब का वो मंत्र यहाँ लागू करना है कि मार्केट गिरेगी उतरेगी इसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाने का कि क्यों गिरी है कैसे गिरी है, बल्कि उस पर दिमाग लगाना है कि आपको इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, क्या अपना प्रॉफिट आप बचा सकते हो, क्या आगे के लिए आप अपना प्रॉफिट देख सकते हो, क्या अपने शेयरों को यहाँ पर बचा सकते हो सर, ये अपॉर्चुनिटी निकल कर मार्केट गिरने पर आती है। देखो सर, मार्केट जब गिरती है ना तो उसके अंदर ही जब गिरने वाली दिशा में कुछ लोग प्रॉफिट देख लेते हैं, तो वो नजरें हमें निकाल कर लाने पड़ेगी। और मैं वही आपके लिए करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं से दिलासे जो होते हैं अच्छे वाले जिससे आप सुधरें, तो वो मैं आपको कहीं ना कहीं से निकाल कर एक ऐसी मोटिवेशनल एक ऐसी चीज बता देता हूं जिससे आपको और मोटिवेट होकर बहुत अच्छा सा लगे और आप मार्केट को बहुत हल्के से ईमानदारी से सच्चाई से लें, क्योंकि लोग तो गुमराह कर रहे हैं सर। गुमराह करने का हमारा काम नहीं है, बल्कि एक दिशा जो है उसे दिखाने का हमारा काम करता है। बात करेंगे सर 5G की, जिस तरीके से 5G आ रहा है और बड़े बड़े प्लेयर जो हैं 5G में दिशा अपनी देख रहे हैं, तो वहीं पर एक चिप मेकर कंपनी है क्वालकॉम, उसने करा क्या है सर? जैसे आपको पता है कि बीते दिनों HFCL के साथ इसने हाथ मिलाया है सर, और इसने जियो प्लेटफॉर्म के साथ भी हाथ मिलाया, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत है। लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं? ये करना चाह रहे कि ये अपना प्राइवेट 5G नेटवर्क की एक दिशा देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि इस तरह से इनको एक इंडिया में एक अवसर प्रदान करे, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी एक नज़र जो है भारत के प्राइवेट नेटवर्क पर पड़ गई है, जिससे ये उद्योगों तक और अपनी जो भी सेवाएं ये जिस तरीके से भी इस काम में कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव संकेत सर बड़ा ही दिख रहा है। किसके लिए दिख रहा है सर? ये जियो के लिए दिख रहा है और ये दिख रहा है सर HFCL के साथ भी, क्योंकि इसने अपने कदम को यहाँ पर 5G नेटवर्क में मजबूत किया है। अब जियो भी 5G के लिए काम कर रहा है, आपको ये भी समझना है, और HFCL भी 5G के उपकरण जो बनाता है उसके लिए ही ये काम करता है, लेकिन ये अपनी एक दिशा ब्रॉडबैंड की सुविधा के लिए गाँव तक भी ले जाने की एक मनसा इसकी जो है ना उसके लिए भी ये वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर HFCL मजबूती की तरफ है क्वालकॉम के जो प्राइवेट नेटवर्क के अवसर लेने के लिए, तो एक पॉजिटिव संकेत यहाँ दिखा रहा है। बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, अडानी ग्रुप जहां हर चीज़ का अधिग्रहण करते जा रहे हैं, सीमेंट ले रहे हैं, सीमेंट की कंपनियां ले रहे हैं, और ये भी काफ़ी चर्चों में ACC और अंबुजा सीमेंट रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से हमारी नज़रें टाटा स्टील में टिकी हुई है, JSW स्टील में टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये इस क्षेत्र में उतर रहे हैं सर। राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम जो विनिवेश होने वाली है उसके अंदर वो अपनी एक दिशा जनवरी में देखेंगे, यानी कि ये अपने कदम जो है स्टील के क्षेत्र में भी बढ़ा रहे हैं, और जो साफ साफ लिखा है कि जो बड़े जो प्लेयर हैं उनको ये टक्कर दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि अडानी जी अब स्टील के क्षेत्र में भी उतर गए हैं, जो अपनी मनसा एक पॉजिटिव बनाकर इस क्षेत्र पर चल रहे हैं। और लाखों लोगों का सवाल सर NDTV में क्या करें, उसके लिए मैंने वीडियो आपके लिए इस चैनल पर बना दी है, वैसे वो वीडियो पुरानी है लेकिन वो काम कर रही है, तो उसे भी आप देख लेना कि तेज़ी में जो हम कदम न्यूज़ के द्वारा बना लेते हैं फिर उसके अंदर हमें मौके जो देखने पड़ते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते। बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक आज चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसने तेज़ी बढ़िया दिखाई थी आज आपको, लेकिन वो तेज़ी नहीं थी जो ये अपर सर्किट तक पहुँच सकती है, क्योंकि एक तो बाजार ही गिर रहा था और बाजार की लपेटे में मैंने कहा ना कि फूल जब बंजर धरती में खिलता है तो वो बाढ़ के साथ वो भी निकल जाता, तो जो लाल है तो सारे लाल होते हुए आपको दिखे, लेकिन फिर भी इसने पॉजिटिव में अपनी एक क्लोजिंग दी है जो हमें बता रहा है कि आने वाले दिनों में ये 18 से 20 रुपए तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। वो इसलिए दिखा सकता है क्योंकि बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने कहा है कि
पिछले 6 महीने के अंदर इसने सर 30% के रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिए। एक पॉजिटिव संकेत ये इसके अंदर निकल कर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये आगे जाकर आपको अच्छे संकेत दिखाएगा। और 14 का इसका मजबूत सपोर्ट बनाया गया है, तो आपको ये समझकर चलना है सर 14 तक के ये मजबूत है और उसके बाद इसका जो घर है सर 17, 18, 19, 20 में बनने वाला है। तो नया घर इसका रुकने वाला शेयर मार्केट में इसका यस बैंक का बनने वाला, तो एक पॉजिटिव संकेत यहाँ भी निकल कर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव संकेत और इसके अंदर आए जब जेसी फ्लावर को सेलेक्ट कर लिया गया 48,000 बैड लोन जो हस्तांतरित किया जाएगा यस बैंक के द्वारा, लेकिन यस बैंक उसके अंदर भी ज्वाइंट वेंचर चाह रहा है, यानी कि जेसी फ्लावर और यस बैंक अब बैड लोन के लिए भी वर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव संकेत है जो आने वाले दिनों में आपको यस बैंक तेजी के संकेत दिखाएगा। एक न्यूज निकल कर जो आ रही है जो एक पॉजिटिव संकेत डाल रही है, आपको पता है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी एक्सपीरियंस बंदे को अपने पास रखती है तो उसको वो एक्सपीरियंस होता है उस लाइन का। तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सर आर गांधी यानी राम सुब्रमण्यम गांधी जी को, आर गांधी जी को यस बैंक ने चेयरमैन की उपाधि से पार्ट टाइम के लिए उनको एक वर्क दिया है, जो अब यस बैंक अच्छे कदमों की तरफ वो लेकर जाएंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और ये इनको जो है 3 साल के लिए ये नियुक्त किया गया है जो ये पार्ट टाइम इसके अंदर वर्क करेंगे और इसको पॉजिटिव संकेत तक ले जाएंगे। देखो सर एक चीज़ बताओ कि यस बैंक जो काम कर रहा है ना बहुत ही पॉजिटिव काम कर रहा है, भले इसका शेयर आपको नीचे मिल रहा है लेकिन जिस तरीके से इसके जो अपने नियम है ना कि ये बड़े बड़े एक्सपीरियंस बंदे को ले रहा है। सबसे पहले इन्होंने प्रशांत कुमार जी को लिया तो उन्होंने कितना अच्छा वर्क इसके अंदर किया है ये आपको पता ही है सर। और दोबारा से भी प्रशांत कुमार जी को फिर से काम करने का भी MD और CEO के रूप में एक अवसर मिला है। और जिस तरीके से सरकार भी चाह रही है कि ये यस बैंक यस ही निकले और उसके वजह से जो भी इसके अंदर फ्रॉड करके गए हैं उनको जेल तक पहुँचाना, उनके अंदर कानूनी कार्रवाई, जो यस बैंक कर रहा है बहुत पॉजिटिव संकेत कर रहा है सर। डिश टीवी के अंदर भी इसने जो अपने दिशा निर्देश दिखाए उसके वजह से इसके अंदर भी उजाले आने की उम्मीद बढ़ रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिश टीवी का जो शेयर है आपको तेजी इसलिए दिखाएगा क्योंकि यस बैंक नहीं चाहेगा कि वो अपने जो स्टेक है नीचे की तरफ बेचे। कोई भी एक ऐसा बंदा हो कि 1 रुपये अगर किसी ने लगाए तो सोचेगा कि 1.25 रुपये 1.5 रुपये में बिके, वो नहीं चाहेगा कि भाई मेरा 1 रुपया से जाए। तो आपको ये समझना है कि कोई भी आप व्यापार करते हैं तो इसके अंदर अपना प्रॉफिट कुछ बनाकर कुछ लेवल चलते हैं तो उस लेवल पर आपको निकलना पड़ता है। तो डिश टीवी में यही एक मसला है जो तेजी का संकेत आपको डिश टीवी में देख रहा है। फिर भी मैंने आपको कहा मौके की तलाश करना शुरू कर दो और जब आप मौके की तलाश करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आते हैं। तो यस बैंक ने 3 बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, एक तो जेसी फ्लावर को 48,000 बैड लोन के लिए सिलेक्ट कर लिया ARC के लिए, दूसरा आर गांधी जी को पार्ट टाइम के लिए एक वर्क जो ज्वाइन करने के लिए कराया ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, और तीसरा जो है जो बड़े बड़े विशेषज्ञ इसके अंदर बता रहे हैं कि इसके अंदर अभी तेजी के संकेत बन रहे हैं 18 से 20 रुपये की छलांग मारने के लिए यस बैंक तैयार हो रहा है। और डिश टीवी में इसने तीसरे नंबर काम किया है कि अपना EGM मीटिंग बुलाने के लिए इसने कोर्ट का सहारा लिया है और वही आपको आगे देखने को मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यस बैंक यहाँ से मजबूत होता जा रहा है। अडानी जी स्टील के कारोबार में कूद रहे हैं, क्वालकॉम जो एक चिप मेकर कंपनी है उसने 5G नेटवर्क के लिए यहाँ पर अवसर देखने शुरू कर दिए क्योंकि इसकी पार्टनरशिप सर HFCL और जियो के साथ भी हो रही है, ये भी आपको एक पॉजिटिव संकेत दिखा रही है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।